कि कौन सा तरीका हो गया, मैंने मास्क नहीं लगाया तो पुलिस वाला आके 500 का चालान कर देगा। मोदी और अरविंद केजरीवाल बताएं कि मास्क लगाने के बाद कोरोना नहीं फैलता है, तो मूर्खों ये बताओ, तुमने देश में ताला लगा करके हमारे देश के उद्योग, व्यापार, रेल सेवा सब बर्बाद कर दी। मैं बिहार के करोड़ों लोग, हमारे छठ पर्व पर जो प्रतिबंध लगा रही है सरकार, उन सब चेक के माध्यम से पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी जब तुम बिहार में घूम रहे थे और दर दर भटक करके भीड़ इकट्ठी कर रहे थे, तब कोरोना कहाँ चला गया था? नरेंद्र मोदी का अगर हम करवाएंगे कोरोना टेस्ट, तो दो बार मोदी कोरोना पॉजिटिव निकलेंगे और दो बार नेगेटिव निकलेंगे। राजधानी दिल्ली में जश्न मनाने की छूट, अरविंद केजरीवाल बताए कि छठ मैया की पूजा पर प्रतिबंध लगाने वाले मूर्ख, तू नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया भैया? नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और जंतर मंतर पर आज देख रहे हैं आप, मेरे पीछे खड़े हैं हजारों की संख्या में लोग। दिल्ली में छठ पर्व पर प्रतिबंध लगा चुकी है सरकार, और कौन सरकार पर्व लगाई है, क्यों लगाई है, छठ पर्व पर प्रतिबंध लगाने का षड्यंत्र क्या है, कोरोना की आड़ में, उस कोरोना की कोरोनोलॉजी पर, जिसमें आप सबको मालूम होगा कि पहले तबलीगी जमात के मरकज पर मुकदमा बनाया गया और तबलीगी जमात में शामिल विदेश से आए हुए लोगों पर न केवल मुकदमा दर्ज किया गया, उन्हें हिरासत में भी अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया। अवैध मैं शब्द इसलिए कह रहा हूं कि मुंबई हाई कोर्ट ने आखिर में सभी विदेशी जमातियों को बेइज्जत बरी किया। मैं बात कहना चाह रहा हूं कि आपको सोचना पड़ेगा देश किस तरीके के कोरोना की आड़ में कहां पहुंचाया गया। पहले तबलीगी जमात के मरकज पर मुकदमा बनाया गया, उसके बाद आपने देखा 26 अक्टूबर को मुंगेर में निहत्ते माँ दुर्गा के भक्तों पर लाठियां और गोलियां बरसाई गई, और अब राजधानी दिल्ली में छठ मैया के पुजार करने वालों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और अंकुश लगाने वाली सरकार क्या करे, कोरोना फैलेगा, और कोरोना फैलने की बात करने के लिए आप सब ने देखा कि बिहार के चुनाव के बाद जब रिजल्ट आया, तो दूसरे दिन, रिजल्ट के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में देश के प्रधानमंत्री, जिसने 24 मार्च 2020 को देर रात को देश में ताला बंद करके एक झटके में भारत के 14 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छीनी थी, आवागमन के साधन रेल और बस सेवा बंद कर दी थी, पूरे देश के ढाबा बंद हो चुके थे, करोड़ों लोग पैदल चलते हुए भूख से मरे थे, आप सब ने देखा किस तरीके से गाड़ियों से कुचल के लोग मरे, रेल से कुट करके मरे, उस प्रधानमंत्री ने मास्क नहीं लगा रखा था, बगैर मास्क के हजारों हजार के लोग वहां पर जश्न में शरीक थे, लेकिन दिल्ली में छठ पर्व का आयोजन नहीं करने दिया जाएगा, ये अपमान किया जा रहा है। मैं आपको क्रोनोलॉजी बताता हूँ, 569 मामले थे जिस दिन देश में ताला बंद कर दिया गया रेल सेवा, बस सेवा, रोजगार को, और फिर 1 जून को आप सब लोगों ने देखा कि हमारे देश में अनलॉक वन शुरू किया गया, तब 1,90,000 मामले कोरोना के उजागर हो चुके थे और लगभग 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी, ये बताया गया। फिर 1 जुलाई का जिक्र मैं करना चाहता हूँ, 6 लाख लोगों की पुष्टि हो चुकी थी कोरोना के मामलों में और 17,000 लोगों की जान जा चुकी थी, और 1 अगस्त को 17 लाख मामले कोरोना के उजागर हो चुके थे और 36,000 लोगों की जान जा चुकी थी, 1 सितंबर को 37 लाख लोगों के मामले उजागर हो चुके थे और 65,000 की जान जा चुकी थी, और 1 अक्टूबर को 64 लाख लोगों के मामले उजागर हो चुके थे कोरोना के और 99,000 लोगों की जान जा चुकी थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 569 मामले हुए, 30 जनवरी को पहला मामला भारत में आता है, 54 दिन तक भारत में रेल बंद नहीं होती है, बस सेवा बंद नहीं होती है, उद्योग बंद नहीं होता है, व्यापार बंद नहीं होता, जहाज बंद नहीं होता है, और किसी को पुलिस लाठियां से नहीं मारती है, तो 569 मामले होते हैं, और भारत का प्रधानमंत्री देश में ताला लगा देता है, और मामला अभी तो मैं जो जिक्र कर रहा हूँ कि अनलॉक जो आखिर में अनलॉक पास किया गया 1 अक्टूबर को 64 लाख मामले हो गए थे, इसमें भी आपको समझना पड़ेगा आंकड़ों में हेराफेरी की गई है। अकेले राजधानी के 2 करोड़ लोगों में सीरो सर्वे के मुताबिक 66 लाख लोगों को कोरोना हो चुका था। मैं ये बात इसलिए कहने के लिए आपके बीच में आया हूँ, 24 मार्च से लेकर मैंने कहा था कि लॉकडाउन के कारण किसी भी कीमत पर कोरोना के संक्रमण को नहीं रोका जा सकता, और 31 मार्च को मैंने कहा, जिसको लाखों लाख लोगों ने मेरी इस बात को सुना वीडियो पे, वॉइस ऑफ इंडियन पीपल्स में आप जाके देख सकते हैं, उसके लिंक मैंने अलग अलग चैनल के दे रखे हैं, हमने दावा किया था भारत में बेरोजगारी से, भूख से ज्यादा लोग मरेंगे और कोरोना से कम लोग मरेंगे। मैं आप सब लोगों को बता रहा था कोरोना के क्रोनोलॉजी क्या है, एलन मस्क एक है अमेरिका के, विश्व के 5वें धनवान व्यक्तियों में से एक,
कोरोना की क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। उन्होंने 24 घंटे में अपना कोरोना टेस्ट करवाया 4 बार, एक ही लैब में एक ही टेस्ट किट तरीके से, और लेबोरेटरी में लैब भी वही, नर्सें भी वही, डॉक्टर भी वही, और वो 2 बार कोरोना पॉजिटिव हुए और 2 बार कोरोना नेगेटिव हुए। मैं बिहार के करोड़ों लोग, हमारे छठ पर्व पर जो प्रतिबंध लगा रही है सरकार, उन सब के माध्यम से पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी जब तुम बिहार में घूम रहे थे और दर दर भटक करके भीड़ इकट्ठी कर रहे थे, तब कोरोना कहाँ चला गया था? हम पूछना चाहते हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को, तब कोरोना कहाँ चला गया था जब तुम दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे? देश में कोरोना 30 जनवरी को आ चुका था, तब आपने तबलीगी जमात को बकरा बनाया, उनको फंसाया, उन पर मुकदमे बनवाए, उन्हें जेल में डलवाया, और मुंगेर में चुनाव के बीच में माँ दुर्गा के पूजा भक्तों को, निहत्तों को लाठी और गोलियों से मरवाया, और अब राजधानी दिल्ली में छठ पर्व पर प्रतिबंध लगा रहे। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, हमारे देश में कई डॉक्टर हैं, उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार, अरविंद सरकार किसी के शरीर में अगर कोरोना का वायरस सिद्ध कर दे तो एक एक आदमी का 1-1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। ये नालायक मूर्ख बनाते हैं। अभी बिहार के चुनाव के बाद जो जश्न हुआ भाजपा मुख्यालय में, नरेंद्र मोदी ने मास्क नहीं लगा रखा था, नरेंद्र मोदी की अपील पर हजारों हजार लोग इकट्ठा हुए, तो सोशल डिस्टेंसिंग का मुकदमा, उल्लंघन करने का मुकदमा मोदी पर क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? मोदी ने मास्क नहीं लगा रखा था, मोदी पर मास्क लगाने का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? राजधानी दिल्ली में जश्न मनाने की छूट, अरविंद केजरीवाल बताए कि छठ मैया की पूजा पर प्रतिबंध लगाने वाले मूर्ख, तू नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया भैया? तू नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता कि तुम कैसे जश्न में हजारों हजार लोगों को बुला रहे हो? इसलिए मैं आप देशवासियों को बताना चाहता हूँ, कोरोना की क्रोनोलॉजी को समझिए। अपनी सारी नाकामियों को छिपाने के लिए जो सरकार देश की सीमा नहीं बचा पा रही है, देश में बेटियों की इज्जत नहीं बचा पा रही है, देश में किसान, बेरोजगार, व्यापारी और उद्यमी की आत्महत्या का सिलसिला नहीं बचा पा रही है, और 20 रुपए का डीजल का पेट्रोल जो है 80 रुपए में बिकवा रही है, वह सरकार आप सबका ध्यान भटकाने के लिए कोरोना का भय दिखा रही है। अगर कोरोना इतना सच में मारक होता तो सितंबर में संसद का सत्र आयोजन क्यों किया गया, ये आपको पूछना चाहिए। मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ और चुनौती देता हूँ, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी, यदि तुम ईमानदारी के साथ जांच करते हो तो एक एक आदमी को कोरोना की जांच 24 घंटे में 4 बार कराने की छूट दो। मैं दावे के साथ में कहता हूँ, जिस तरीके से एलन मस्क दुनिया के 5वें धनवान व्यक्ति अमेरिका के हैं, उन्होंने 2 बार टेस्ट कराया, 2 बार नेगेटिव और 2 बार पॉजिटिव आया, मैं दावे के साथ में कहता हूँ अरविंद केजरीवाल का भी अगर 4 बार हम टेस्ट करवाएंगे, 2 बार कोरोना पॉजिटिव निकलेगा और 2 बार नेगेटिव निकलेगा। नरेंद्र मोदी का अगर हम करवाएंगे कोरोना टेस्ट, तो 2 बार मोदी कोरोना पॉजिटिव निकलेंगे और 2 बार नेगेटिव निकलेंगे। ये अलग अलग सोच और समय के मुताबिक कोरोना जैसे लक्षण शरीर में दिखते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों की तरफ से, मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूँ कि नरेंद्र मोदी को और अरविंद केजरीवाल को सद्बुद्धि आनी चाहिए, और सद्बुद्धि की प्रार्थना करता हूँ छठ मैया की पूजा में विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहिए, और अगर विघ्न उत्पन्न करोगे तो छठ मैया तुम्हारा विनाश तो करेगी करेगी। राजधानी दिल्ली के करोड़ों जो छठ मैया के भक्त हैं, वो छठ मैया के पर्व का आयोजन करेंगे, तुम्हारे बाप की ताकत उनको रोकने की नहीं। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि कौन सा तरीका हो गया, मैंने मास्क नहीं लगाया तो पुलिस वाला आके 500 चालान कर देगा। मोदी और अरविंद केजरीवाल बताएं कि मास्क लगाने के बाद कोरोना नहीं फैलता है, तो मूर्खों ये बताओ, तुमने देश में ताला लगा करके हमारे देश के उद्योग, व्यापार, रेल सेवा सब बर्बाद कर दी, और 14 करोड़ लोगों को पैदल चला करके हमारे देश के मजदूरों के पैरों से खाल निकलवाई, उनकी गर्भवती महिलाओं के खुले आसमान के नीचे बच्चे पैदा करवाए, और आज रोटी रोटी के लिए देश के करोड़ों लोग मोहताज हो चुके हैं। ये मूर्ख बनाने का षड्यंत्र बंद करो, और छठ मैया का पर्व का आयोजन हो रहा है, पहले तुमने तबलीगी जमात के मरकज के जो जमाती थे उनको जेल में डलवाया, माँ दुर्गा के भक्तों को गोलियां लाठियों से मरवाया, और अब छठ मैया के भक्तों पर तुम हमला करने की तैयारी करो, ये हम किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।